नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान से 33 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है, रेलवे ग्रुप डी, ALP, RPF। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल कैसा रहेगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल कैसा रहेगा। उसका आवर्तकाल घट जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल कैसा रहेगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल कैसा रहेगा। उसका आवर्तकाल अपवर्तित रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है दो सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह कैसा होता है। वो होता है उत्तल। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह उत्तल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव कैसा रहता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिकस होता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिकस क्या होता है, वो होता है उत्तल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक बार बराबर होता है 10 का पावर 5 पास्कल। एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है। उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कैसा होता है। उसका भार परिवर्तनशील होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। वो थे केपलर। केपलर ने ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वो काम करता है रैखिक संवेग का संरक्षण पर काम करता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर वो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी। इसका उत्तर है 45 डिग्री। 45 डिग्री पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। वो है घनत्व। घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है। वो होती है -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य होती है। हमारा अगला प्रश्न है, पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है। वो होता है 360 डिग्री सेल्सियस।
प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? वो होता है लाल रंग का। लाल रंग का विचलन अधिकतम अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? किस गैस में उत्पन्न तरंग ध्वनि तरंग सदैव होती है? वो होती है अनुदैर्ध्य में। अनुदैर्ध्य में सबसे अधिक होती है। अनुदैर्ध्य में सबसे अधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? किस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? वो होगा 45 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव तरंगों की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती, वो है आवेश पर निर्भर नहीं करती है द्रव तरंगों की तरंग दैर्ध्य। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? वो है न्यूट्रॉन सबसे अधिक अस्थायी है। हमारा अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम प्रकाश तरंग दैर्ध्य मापता है। हमारा अगला प्रश्न है, श्यानता की एसआई इकाई क्या है? वह है पॉइज। श्यानता की एसआई इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है, एक फैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट होता है। 1 फैदम बराबर 6 फीट। हमारा अगला प्रश्न है, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? वो है सोल्स ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। हमारा अगला प्रश्न है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो कार्य करता है रैखिक वेग संरक्षण पर कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव दाब क्या है? पारे का 70 मिलीमीटर मानव दाब है। हमारा अगला प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वो है गैसों का। मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब होता है। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहेगा? वो है घनत्व। घनत्व नहीं बदलता है वस्तु की मात्रा बदलने पर। हमारा अगला प्रश्न है, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप 310 K होता है। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप 310 K होता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन शुभ हो।